नमस्कार दोस्तों तो आज हम एक और पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे तो दोस्तों जिनका ये पोर्टफोलियो है तो इनका नाम है मीता दास एंड ये एक हाउस वाइफ है इन्होंने दोस्तों अप्रोक्सीमेटली सात लाख का इन्वेस्टमेंट किया है एंड इनका जो पोर्टफोलियो है इसका एज है थ्री मंथ यानी कि पिछले तीन महीने से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ एक कंपनी में दोस्तों इन्होंने तीन महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया है एंड वो है टाटा मोटर्स बाकी सारी कंपनीज में विद इन थ्री मंथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया दैट ये इस पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते ओके okay? एंड इसके अलावा इनका बेसिक क्वेश्चन ये है कि इनका जो पोर्टफोलियो है इनके जो स्टॉक सिलेक्शन है तो ये अच्छा है या खराब है जो कि दोस्तों हम लोग को पोर्टफोलियो देखने के बाद ही पता चलेगा एंड लास्ट में इन्होंने बताया दैट इनको स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडा नहीं है तो चलिए दोस्तों अभी सबसे पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते एंड जान लेते कि क्या कुछ चेंजेस अभी इस पोर्टफोलियो में करना चाहिए कैसा इनका पोर्टफोलियो है सो so दोस्तों इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है सेवन लैख थर्टीन थाउजेंड का करेंटली पोर्टफोलियो का साइज कम होकर हो चुका है सिक्स लैख थर्टी नाइन थाउजेंड का एंड अभी इनको दस परसेंट का लॉस हो रहा है एंड सेवेंटी थ्री थाउजेंड या अप्रोक्सीमेटलीवेंटी फोर थाउजेंड का लॉस इनको हो रहा है इनके पोर्टफोलियो में दोस्तों टोटल ट्वेंटी सिक्स कंपनीज देखने को मिल रहा है तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते कि ये जो कंपनीज है ये कौन कौन से है एंड कैसे ये जो लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो है इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा सकता है तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपनी इनके पास देखने को मिल रहा है तो ये है कैंप्स तो कैम्प में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सिक्सटी थ्री थाउजेंड के आसपास अभी सात परसेंट का इनको हो रहा है लॉस अभी सात लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है उसमें से काफी बड़ा जो एक परसेंटेज है वो इन्होंने एलोकेट किया है कैंप्स में जो कि मेरे हिसाब से इस पोर्टफोलियो को थोड़ा रिस्की बना देता है अभी कैंप्स में दोस्तों शॉर्ट टर्म में हम लोग को प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा जब तक स्टॉक ए, -ए लिस्ट में रहता है ओके बट ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है बट फिर भी ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है एंड इधर पे एलोकेशन इन्होंने काफी दे दिया है तो मेरे हिसाब से एलोकेशन को थोड़ा कम करेंगे तो ये जो पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रांग बन सकता है अगर आप लीडिंग कंपनीज में थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं तो ओके okay? कैम्स के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी इनके पास है ये है इजी माई ट्रिप एंड इधर पे 18,000 का इन्वेस्टमेंट है 13 परसेंट का लॉस इधर पे हो रहा है अभी कोविड के रिलेटेड आगे आने वाले टाइम में अगर रिस्ट्रिक्शन और बढ़ते हैं तो इस कंपनी के स्टॉक में और गिरावट हो सकता है बट अगर देखा जाए तो कंपनी इस टाइम में अच्छी ग्रोथ शो कर रहा है एंड आगे एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड कर सकता है एंड एक मल्टी वैगर स्टोरी बन सकता है बट उसके लिए टाइम लगेगा तो अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो उसके बाद जो नेक्स्ट इनके पास कंपनी है तो ये हैप्पीएस्ट है माइंड एंड इधर पे नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इन्वेस्टमेंट है चार परसेंट का अभी हो रहा है लॉस अभी दोस्तों इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कैम्प्स में किया है वही इन्वेस्टमेंट अगर हैप्पीस्ट माइंड में किया होता तो मेरे हिसाब से वो जो रिस्क है वो यहाँ पे एक वर्दी इन्वेस्टमेंट होता एंड हैप्पीस्ट माइंड में वो पोटेंशियल है कि आगे जाके ये कंपनी काफ़ी बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है हालांकि केम्प्स की तरह ये भी कंपनी ए एस एम लिस्ट में इस टाइम पर है जिस वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो कंपनी शो नहीं कर पा रहा है एंड एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है बट हैप्पीस्ट माइंड में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है ले सकता है तो उसके लिए हैप्पीस्ट माइंड एक अच्छा ऑप्शन बहुत यहाँ पे हो सकता है एंड uh, आगे आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड रिटर्न ये कंपनी चेनर्ट करके दे सकता है क्योंकि वो पोटेंशियल है कंपनी वो सब कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका डिमांड फ्यूचर में काफ़ी बढ़ने वाला है चाहे वो एआई हो रोबोटिक्स हो क्लाउड हो एंड डेटा एनालिटिक्स हो वो सब कुछ कंपनी ये कंपनी प्रोवाइड करता है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इनके पास कंपनी टाटा मोटर्स एंड पंद्रह का इन्वेस्टमेंट है सिक्सटी परसेंट का प्रॉफिट इनको हो रहा है नौ हज़ार तीन सौ का इन्वेस्टमेंट है तो तीन सौ सात के लेवल पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट दोस्तों इनके पास कंपनी है टाटा पावर दो सौ बाईस के लेवल पर इन्वेस्टमेंट है थर्टी टू थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है एंड तीन परसेंट का प्रॉफिट अभी इनको हो रहा है टाटा पावर अगेन एक बहुत अच्छा कंपनी है तो इसको आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए अभी दोस्तों मैं किसी को नहीं बताता कि टाटा पावर में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ये सही है कि हमने 90 के लेवल से वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया था तो आज के दिन 230 पे स्टॉक आ चुका है तो काफी बड़ी रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किया है बट दो तो टाटा पावर में मैक्सिमम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पीछे रीज़न इनका रिनूवल का बिजनेस एंड जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वो जो बिज़नेस है यही दो रीज़न की वजह से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट इनका बहुत बड़ा एक जो रेवेन्यू है अभी भी पावर सेगमेंट से आता है पावर डिमांड आप कह सकते हो कि पावर सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर की तरह काम करता है कभी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी अभी पावर डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है तो ओवरऑल फायदा सारे बिजनेसेस को कंपनी को मिल रहा है तो इस वजह से स्टॉक भी काफ़ी बढ़ गया है बट uh, बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं तब करता अगर पर्टिकुलर ये कंपनी रीन्यूल में एंड इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में ही काम करता तो अगर आगे जाके रिनूवल का इनका आई आता है तो वहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा एंड टाटा पावर से एट मैं हो जाऊंगा उसके बाद इनके पास जो नेक्स्ट कंपनी है टाटा स्टील एंड फोर्टी का इन्वेस्टमेंट है 17% का लॉस अभी हो रहा है अभी टाटा स्टील को अगर आप लॉन्ग टर्म तक पाँच दस साल तक कंटिन्यू कर दो तो ये आप कह सकते हो लॉस काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बदल सकता है बट पर्सनली मैं स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है जब सेक्टर जब आप कह सकते हो कि डिमांड बढ़ता है तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देते बट जब डिमांड गिरता है तो काफ़ी साल तक कोई रिटर्न भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करता है तो एक सिक्लिकलिटी आपको सेक्टर में देखने को मिलेगा तो स्टील उसके बाद सीमेंट सेक्टर तो इधर पे मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता ऑटो सेक्टर भी एक सिक्लिकल सेक्टर है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है इंडिया सोलह का इन्वेस्टमेंट है थर्टीन का अभी इनको हो रहा है लॉस अभी ये जो कंपनी है एक मिड कैप कंपनी है एंड टेक्सटाइल सेक्टर में काम करता है बट दोस्तों इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखोगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसे टाइम पीरियड देखने को मिलेंगे जब कंपनी ने कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है एंड वो जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबे लंबे टाइम पीरियड होते हैं लाइक 2006 से 2014 तक आठ सालों तक कंपनी ने कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है उसके बाद 2016 से 2020 तक कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था तो कुछ ऐसे टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेंगे जब कंपनी ने कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया हालांकि अभी टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट पुश कर रहा है तो उस वजह से शायद से आगे आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है बट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है मुझे उतना खास नहीं लगता ये कंपनी उसके बाद नेक्स्ट कंपनी इनके ने पास विप्रो ट्वेंटी थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है सात परसेंट का भी इनको हो रहा है लॉस बट विप्रो एक नो डाउट बहुत अच्छा कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कंपनी इसेल्टिक टेक बारह हजार पाँच सौ का इन्वेस्टमेंट है साढ़े छः परसेंट का लॉस हो रहा है बट कंपनी बहुत अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग है एंड इसको भी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट इनके पास कंपनी आइडिया एंड हज़ार का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है काफी अच्छा काम किया है कि ज्यादा एलोकेशन नहीं प्रोवाइड किया है सात लाख में से सिर्फ हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट आइडिया में किया है एंड वहाँ पे फोर्टी टू परसेंट का प्रॉफिट इनको हो रहा है तो चाहो तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एलोकेशन ज्यादा नहीं है नेक्स्ट इनके पास कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज थर्टीन थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है सेवेंटी परसेंट का लॉस इनको शो हो रहा है तो आई थिंक इन्होंने ये जो शो हो रहा है रिटर्न इतना बड़ा लॉस ये बोनस की वजह से बट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अच्छा कंपनी कंटिन्यू किया जा सकता है दिसंबर का रिजल्ट काफी अच्छा आने का चांस है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट इन्फोसिस एंड सेवेंटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का इन्वेस्टमेंट है अभी तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है

तो मेरे हिसाब से एलोकेशन को इधर से कम करना चाहिए क्योंकि पी कंपनी है गवर्नमेंट का जो न्यूज़ निकल के आया था कन्वीनियंस फी के रिलेटेड वैसा न्यूज़ फ्यूचर में अगर आता है तो फिर से परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट आ सकता है कंपनी का तो इस वजह से मैंने खुद भी थोड़ा एलोकेशन कम कर लिया ऐसा नहीं कि एग्जिट हो गया बट एलोकेशन थोड़ा मैंने कम किया है बट आपने बहुत ज़्यादा एलोकेशन आई एर सी प्रोवाइड किया है तो इसको थोड़ा कम करने की कोशिश आप कीजिए उसके बाद दोस्तों इनके पास जो नेक्स्ट कंपनी देखने को मिलता है तो इसका नाम है श्रेणिक लिमिटेड एंड कहाँ से ढूंढा पता नहीं मुझे बट कंपनी का साइज़ बहुत ही छोटा है वन थर्टी फाइव करोड़ की कंपनी है एंड कर्ज़ा अगर देखो तो वन सेवेंटी एट करोड़ का है सबसे पहले तो माइक्रो कैप एंड बहुत छोटा है हाईली रिस्की है एंड कर्ज़ा जो है कंपनी में वो साइज़ से भी ज़्यादा है तो ये जो दो पॉइंट ही, ही देख के एग्जिट हो जाना चाहिए इस कंपनी से इसके बाद और कोई बात नहीं करना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट जो इनके पास कंपनी है तो ये भी एक आप कह सकते हो नया कंपनी जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कंपनी का नाम है सूरत टेक्सटाइल मिल्स ओके तो ये जो कंपनी है इधर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दस हजार का अभी साढ़े दस परसेंट का इनको हो रहा है लॉस ये भी कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत छोटा कंपनी चार सौ नौ करोड़ की कंपनी है माइक्रो कैप कहा जा सकता है एंड कंपनी ने दो हजार छः के बाद से खास कुछ रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया हालांकि लास्ट एक साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बट अगेन वो जस्ट न्यूज़ की वजह से बाकी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 2010 में कंपनी का जो सेल्स था ये 242 करोड़ था एंड आज के दिन सेल्स अगर देखोगे तो वन करोड़ देखने को मिलेगा लास्ट दस ग्यारह साल से कंपनी का सेल्स इंप्रूव नहीं हो रहा है यानी कि बिजनेस ही नहीं ग्रो हो रहा है तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एग्जिट हो जाना चाहिए नेक्स्ट दोस्तों इनके पास एक और जो कंपनी है बहुत ही कम लोगों को पता होगा सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया ओके अभी ये कंपनी अगर देखा जाए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट अगेन बहुत छोटा कंपनी ये भी है अगर देखोगे मार्केट कैप तो सेवन एट्टी थ्री करोड़ का है माइक्रो कैप कंपनी है बहुत ही छोटा कंपनी है दस हजार का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है इधर पे भी दस परसेंट का लॉस इनको हो रहा है कंपनी का चार्ट बहुत ही खतरनाक आप सिंपली गूगल में जाके सर्च करना सिंकॉम फार्मुलेशन शेयर मिल जाएगा सो so, कंपनी का चार्ट दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की ये कंपनी है एंड uh, हो सकता है कि प्रॉफिट बने बट uh, रिस्क इन्वेस्टमेंट है एंड चाहो तो आप uh, यहाँ से एग्जिट हो सकते हो अगर अपनी स्टडी करके लिया तो अलग बात है बट चार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म का एंड मैं होता तो मैं ज़रूर एग्जिट हो जाता क्योंकि फार्मोलेशन के बिज़नेस में और भी अच्छे कंपनीज अवेलेबल है उसके बाद नेक्स्ट टाटा मोटोर्स टाटा पावर ये तो हमने देख लिया टाटा स्टील भी देख लिया देन दोस्तों अगेन जेपी पावर बहुत सारे लोग कमेंट करते हो सर अब जेपी पावर के ऊपर क्यों वीडियो नहीं पोस्ट करते हो जेपी पावर दोस्तों बहुत ही रिस्की कंपनी है अभी भी मैं मानता हूँ लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो कंपनी ने वेल्थ बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया अपने शेयर होल्डर्स का एंड जो जिस कंपनी ने इतना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया वहाँ पर मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी कंपनी इसको खरीद ले पड़े ग्रुप यहाँ पे खरीद ले तो मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि एक टाइम पे जो स्टॉक है ये 120 के ऊपर चला गया था ट्रेड होता था आज के दिन पाँच रुपए पे स्टॉक ट्रेड होता है तो समझ सकते हो कितना बड़ा वेल्थ इसने डिस्ट्रॉय किया होगा एंड कंपनी uh, का जो साइज है वो तीन हजार पाँच सौ करोड़ है कंपनी में कर्जा पाँच हजार करोड़ से ज्यादा है तो जितना साइज है उससे ज्यादा कर्जा है तो इधर से भी मेरे हिसाब से पूरा एग्जिट हो जाना चाहिए नेक्स्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील तो अच्छा कंपनी है डिफिनेटली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है बट स्टील सेक्टर में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर लालपात लैब एंड इधर पे नाइनटी एट थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है नौ परसेंट का अभी इनको हो रहा है लॉस अभी अगेन एक मिड कैप कंपनी है तो आपका जो एलोकेशन है वो कंट्रोल में होना चाहिए था बाकी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो अच्छा कंपनी है एंड लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना करके दिया जाएगा बट एलोकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट इनके पास कंपनी लैटिन लेटिन एंड सत्तर हजार का इन्वेस्टमेंट है इन्होंने लिस्टिंग के बाद खरीदा होगा जिस वजह से पंद्रह परसेंट का लॉस इनको हो रहा है अगेन कंपनी अच्छा है बट लिस्टिंग के बाद काफी बड़ा रिटर्न इस कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है तो अभी तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसल्टेशन होगा बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर जाएगा उसके बाद दोस्तों इनके पास जो नेक्स्ट कंपनी है यह है लक्ष्मी केमिकल सिक्सटी थ्री थाउजेंड का अप्रोक्स निवेश है एंड ट्वेंटी फोर परसेंट का इनको हो रहा है लॉस अभी लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी अगर देखा जाए तो एक अच्छा कंपनी है बट रिसेंट टाइम में कंपनी ने खुद बोला था कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा तो वो नहीं हुआ तो सेप्टेम्बर का रिजल्ट खास नहीं था तो इस वजह से गिरावट स्टॉक में हुआ है बट आप कह सकते हो कि कंपनी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है बट आपने कंपनी में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा दिया है तो अगेन इसको कम करना चाहिए नेक्स्ट दोस्तों इनके पास जो कंपनी है तो ये है मास्टिक एंड मास्टिक में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है थर्टीन थाउजेंड का इधर पे भी फोर्टीन परसेंट का लॉस है एंड मास्टिक अगर देखा जाए तो एक ग्रोइंग कंपनी ओके स्टॉक स्टेम पे ग्रो या पे कंपनी ग्रो कर रहा है अच्छी रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर रहा है काफी अच्छे अर्निंग्स फ्यूचर में भी आ सकता है रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है बट एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव साइन इस कंपनी में इस टाइम पे देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को काफी कम किया एफ आई ने अपने स्टेक को काफी कम किया है आई ने भी अपने स्टेक को काफी कम किया है जिस वजह से पब्लिक का स्टेक थर्टी परसेंट से बढ़ के फिफ्टी परसेंट हो गया तो इस वजह से ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला ये काफी खराब चेंज है काफी नेगेटिव चेंज है एंड इस वजह से मैं पर्सनली खुद अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूँ अगर आपने स्टडी करके लिया तो कंटिन्यू कर सकते हो बाकी में होता तो एग्जिट हो जाता नेक्स्ट इनके पास कंपनी एमसीएक्स एंड नौ हजार सात सौ का इन्वेस्टमेंट है तेरह परसेंट का लॉस इधर पे भी हो रहा है एमसी एक्स आप कह सकते हो कि लो रिस्क कंपनी है ज्यादा कोई रिस्क नहीं है बट क्योंकि आपने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में तो इन एमसीएक्स में एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट कुछ खास नहीं आ रहा है कंपनी की रिटर्न भी अगर देखो तो ज्यादा खास आपको नहीं देखने को मिलेंगे शायद से लॉन्ग टर्म में रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है बट एज ऑफ नाउ उतना इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं है नेक्स्ट मधुसन सुमी पच्चीस हज़ार का इन्वेस्टमेंट है इधर पे भी ग्यारह परसेंट का लॉस इनको हो रहा है ज़्यादातर कंपनीज़ में इन्होंने टॉप टॉप लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है अभी मधुसन सुमी एक बहुत अच्छा कंपनी है अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करोगे तो ये जो लॉस है रिकवर करके प्रॉफिट कंपनी दे जाएगा बट ऑटो कंपनी तो ऑटो कंपनी में आपको एलोकेशन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर है उसके बाद है पी एन बी इन के पास एक ही क्वांटिटी इन्होंने बाई किया जो कि करना नहीं चाहिए था क्योंकि पी एन बी बिल्कुल भी अच्छा कंपनी नहीं है इस बी अगर आप खरीदते तो माना जा सकता था कि अच्छा कंपनी अपने बाई किया बट पीएसू कंपनीज में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए एंड पीएसू बोलते बोलते नेक्स्ट कंपनी आ गया सेल तो सेल में दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है ग्यारह हज़ार तीन सौ का बाईस परसेंट का लॉस अभी हो रहा है तो ऐसे कंपनी में अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ठीक है बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ऐसे वाले कंपनीज़ बिल्कुल भी मैं किसी को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसने भी काफी अच्छा ही आप कह सकते हो वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है क्योंकि एक टाइम पर ये जो स्टॉक है ये दो हज़ार दस में ढाई सौ के लेवल पर हुआ करता था आज के दिन ये स्टॉक एक सौ पे आ चुका है तो काफ़ी गिरावट स्टॉक में हुआ है तो मेरे हिसाब से काफी रिस्की स्टॉक है एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा एक डिटेल कि सेल ए जो कंपनी है नाइनटीन नाइनटी फाइव के अराउंड सबसे बड़ा कंपनी हुआ करता था इंडिया का बट आज के दिन आप देख सकते हो तो सेल किधर पे आ चुका है तो कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो एग्जिट हो जाना चाहिए एंड उसके बाद तो नेक्स्ट कंपनी हमने देख लिया है सो so, दोस्तों ये था इनका टोटल पोर्टफोलियो एंड ये पोर्टफोलियो आपके हिसाब से कैसा था एंड आपके हिसाब से क्या कुछ चेंजेस इस पोर्टफोलियो में करना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे हिसाब से इस पूरे पोर्टफोलो को रिशफल करना चाहिए एंड बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनसे इनको एक्सिट हो जाना चाहिए अदरवाइज इस पोर्टफोलियो के साथ ये अगर कंटिन्यू कर दे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होगा डिस्ट्रॉय होने का चांस काफी ज़्यादा है तो इस वजह से इनको लीडिंग कंपनीज में कुछ अच्छे सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए एंड कुछ अच्छे कंपनीज को ऐड करना चाहिए इस पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो किधर से एग्जिट हो जाता मैं वो ऑलरेडी वीडियो में मैंने बता दिया है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए उन कंपनी से चाहे तो आप एग्जिट हो सकते मैं जस्ट अपना खुद का व्यू पॉइंट दे रहा हूँ एंड अगर चाहो तो आप कंपनीज का जो डेटा है लॉन्ग टर्म का वो देख सकते हो सिंपली किसी भी कंपनी में आपने निवेश किया है उस कंपनी का नाम उसके बाद शेयर आप लिख दीजिएगा लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखिएगा कैसा चार्ट है कैसा रिटर्न लोगों को मिला है तो वो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कंपनी में रहना चाहिए कौन से कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए ओके तो उसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि किधर किधर से एग्जिट हो जाना चाहिए अभी किन को ऐड करना चाहिए सबसे पहले तो आप बजाज फाइनेंस एशियन पेंट पीडी लाइट देन टाइटन ये जो कंपनीज हैं इनको ऐड करने की कोशिश कीजिए ये जो चार कंपनी इनको सबसे पहले ऐड कीजिए एशियन पेंट पीडी लाइट बजाज फाइनेंस एंड टाइटन इनको ऐड कीजिए उसके अलावा कुछ और अच्छे कंपनीज हैं लाइक आपने आई में इन्वेस्टमेंट किया या पे इन्फोसिस में उसमें एलोकेशन थोड़ा और बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट थोड़ा और इंक्रीज कीजिए उसका चाहो तो बैंकिंग स्पेस बैंक से एच डी एफ सी बैंक या आई सी आई सी बैंक को चूज़ कर सकते हो आप इफ एम सी जी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए एचूएल या टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा ऑप्शन है नेस्ले बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके बाद आप फार्मा में अगर निवेश करना चाहते हो तो डिवीज लैब बहुत अच्छा ऑप्शन है डी मार्ट को आप चूज़ करने की कोशिश कीजिए रिलैक्सो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एस्टल को अपने पोर्टफोलियो में जगा दीजिए उसके अलावा जूविलन फूड को आप आप जगह दे सकते हो इन्फोइज को आप जगह दे सकते हो तो ये जो कंपनीज है इधर पे मैक्सिमम एलोकेशन आप दीजिए ओके जो आपका इन्वेस्टमेंट है सात लाख का तो पांच लाख का तो इन्वेस्टमेंट इधर पे ही आप करने की कोशिश कीजिए जो मैंने कंपनीज का नाम आपको बताया है ओके एंड बाकी आप थोड़ा बहुत स्टडी करके मिड कैप्स स्मॉल कैप्स को ऐड कर सकते हो बट जो चीज़ मैंने बताई ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक पाएगा बट अभी इस पोर्टफोलियो में बहुत कुछ चेंजेस करना चाहिए अदरवाइज आपको इससे भी बड़ा लॉस हो सकता है एंड एक लाख से भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है ये लॉस तो इसी वजह से आप अपना जो पोर्टफोलो इसको आप कह सकते हो पूरा चेंज कर दीजिए एंड मैक्सिमम आप ट्वेंटी स्टॉक्स रखने की कोशिश कीजिए इस पोर्टफोलियो में ओके ट्वेंटी स्टॉक्स जो ट्वेंटी बेस्ट स्टॉक्स हैं उनको रखने की कोशिश कीजिए एंड देखिए उसके बाद अपना आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा जो लॉस अभी हो रहा है ये लॉस भी रिकवर्ड हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करोगे लॉस आराम से रिकवर्ड हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, चलिए दोस्तों अभी देख लेते कि इनका जो पोर्टफोलियो है ये लॉन्ग टर्म में इनके लिए कितना वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है सबसे पहले तो अभी इनका पोर्टफोलियो का जो साइज है वो छः लाख तीस हज़ार के ऊपर है बट फॉर एग्जाम्पल हम राउंड फिगर ही यहाँ पे ले रहे हैं मान लेते लॉस थोड़ा और बढ़ गया होगा क्योंकि आज मार्केट काफी गिरा है तो छः लाख ,00 हम यहाँ पे ले रहे हैं मान लेते कि अभी पोर्टफोलियो का साइज इनका छः लाख ,00 का है एंड अगर इनको एट्टीन परसेंट का एवरेज रिटर्न मिलता है जो कि मिल सकता है अगर वो चेंजेस ये कर सकते बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एंड अगर नेक्स्ट टेन ईयर्स तक अपने पोर्टफोलियो को ये कंटिन्यू करते तो आफ्टर टेन ईयर्स इनका जो छह लाख का पोर्टफोलियो है ये थर्टी वन का बन जाएगा तो अभी जो सेवेंटी थ्री थाउजेंड का लॉस हो रहा है जो कि काफी बड़ा लग रहा है तो वो काफी छोटा बन जाएगा वो लॉस रिकवर होके काफी बड़ा प्रॉफिट इसके ऊपर मिलेगा बट उसके लिए जो चेंजेस मैंने बताया वो अगर कर लेते तो काफी अच्छा रहेगा अगेन ये जस्ट मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है एंड uh, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सा सोच लेना उसके बाद ही आप लेना क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपको लेना चाहिए बट कोशिश यही कीजिए कि जो लीडर एंड लीडिंग कंपनीज़ है वहाँ पे आप एलोकेशन ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए जिससे आपका रिस्क भी काफ़ी कम रहे एंड आपको सेफली अच्छे रिटर्न मिले एंड जो कंपनीज मैंने बताया वहाँ पर अगर निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाओगे जरूर बट उसके लिए पेशेंस होना जरूरी है बट लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के जाओगे बट अभी जो पोर्टफोलियो है इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का तो चांस कितना है वो कोई बता नहीं सकता बहुत ही कम है उसके बाद 10 साल की जगह अगर 15 साल आप होल्ड कर लेते हो उस पोर्टफोलियो को तो आफ्टर 15 इयर्स 71 वन लैख का जो वेल्थ आप क्रिएट कर सकते अगर अच्छे कंपनीज को ऐड करते एंड बाकी अगर 20 इयर्स तक अगर कंटिन्यू कर ले तो आप सो so, ये जो पोर्टफोलियो इसका साइज बन जाएगा वन करोड़ सिक्सटी फोर लैक का तो अभी भी काफी बड़ा मौका है काफी चेंजेस आप कर सकते हो ज्यादा लॉस हुआ नहीं है तो थोड़ा चेंज करने की आप कोशिश कीजिए तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना अगर दोस्तों आपने चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना तो ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे नीचे दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो कैन ज्वाइन आज एज ए मेंबर तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय